তুমি উঠতে পারবে লুঙ্গি পরে আস্তে আরামসে তো মানে ফালতু কা লোক পিকচার লে রহা থা লোক হটা দিয়া তো ये रहा फ्रेम ओ अंकल ओ भाई साहब सो गाइस वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल आप लोगों ने अगर बंगाली वीडियो देखना चाहते हो बंगाली व्लॉग मैंने मतलब बंगाली चैनल एक न्यू खोला है तो आप लोग अगर देखना चाहते हो बंगाली भाई लोग जिसको अभी तक नहीं पता तो आप लोग देखो जाओ डिस्क्रिप्शन में लिंक है और उसका मैंने नाम भी सजेस्ट करने को बोला है आप लोगों को आप लोगों अगर जो अच्छा लगता है नाम तो आप लोग सजेस्ट करो लास्ट मतलब बंगाली व्लॉग में ही बोले थे तो उसमें तो अभी ज़्यादा व्यूवर्स है नहीं तो आप लोग देखो और एक अच्छा सा नाम सजेस्ट करो ताकि मेरे को भी अच्छा लगे एंड सूट करे सब कुछ देख के तो मैं वो नाम रखूँगा अभी दो तीन वीडियो में बोलना पड़ेगा क्योंकि ऑडियंस उसमें उतना ज़्यादा है नहीं तो अभी चलते ये हिंदी व्लॉग होने वाला है यस इस चैनल में हिंदी व्लॉग्स ही आएंगे एंड जो बंगाली व्लॉग्स आएगा वो अपना सेकेंड चैनल पे आएगा बंगाली चैनल पे बहुत दिनों बाद संडे इवनिंग राइड करेंगे सिटी राइड करेंगे अपना ज़्यादा भाई लोग है नहीं तो देखते कहाँ चलते पहले चलते मीट करते तो अभी बज रहे हैं 4:45 यस 4:45 बज रहे उसी को मीट करेंगे उसके बाद देखते कौन कौन भाई आता है रास्ते में मिलेंगे पूरा वीडियो ज़रूर से देखना मज़ा आएगा कहाँ जाते हैं नहीं जाते क्या करते हैं नहीं करते पूरा देखने को मिलेगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें तो जी हाँ आप लोगों ने बहुत भाइयों ने सही गेस किया कि ये हीरो 9 है ओ, 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 ओ अंकल जी आप जा रहे थे इधर आ गए चलो कोई ना आराम से ऐसा ना मतलब बहुत बुजुर्ग आदमी जो सब होते हैं ज़्यादा करके तो वो लोग मतलब डिसीजन तो लेते हैं लेकिन मतलब उसको जो कंफर्म करना होता है ना कंफर्म नहीं कर पाते कि मैं ये करूं या फिर वो करूं तो दिमाग गर्म मत करिए उन लोगों पर अभी हो सकता कि बहुत मतलब बुरा हो सकता था मैंने सडन ब्रेक किया ना मेरे एबीएस काम किया इसीलिए स्किट नहीं किया अगर एबीएस ना रहता ना तो आराम से स्किट करता या फिर उनको मारता मैं मेरा हीरो 9 पे फर्स्ट ब्लॉग है अपना बूसा पे सो आई होप कि आप लोग क्वालिटी बहुत ही बढ़िया लग रहा है क्योंकि मेरे को इधर से जो दिख रहा है ना कॉकपिट बूसा का जो कॉकपिट है ना बहुत मज़ेदार है गाइस सीरियसली मतलब ये जो 5 मीटर है मतलब 3 बड़ा बड़ा है एंड दोनों साइड में छोटा छोटा है जो कि हीट मीटर आता है एंड फ्यूल मीटर आता है आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगता होगा और मैं हूँ ना कि अपना भूसा पे ज़्यादा फ्यूल भर के रखता नहीं हूँ मतलब जब भी निकलता हूँ तब भी फ्यूल अप करता हूँ ताकि वो जो तेल ज़्यादा जम के नहीं रहना चाहिए मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत दिक्कत आ सकता है बहुत जगह का तेल बहुत टाइप का होता है फ्यूल जो होता है ना तो बहुत टाइप का होता है किसी का अच्छा होता है तो किसी का अच्छा नहीं होता है बहुत ज़्यादा मतलब समझ सकते हो आप लोग तो इसीलिए ना मैं ज़्यादातर करता क्या हूँ जब भी फ्यूल लेता हूँ वो यूज़ करके निकाल देता हूँ मतलब जमा हुआ रहना नहीं देता हूँ ताकि अपना टोटल बॉडी में कोई इशू ना आए कोई कचरा ना जम जाए तो इसीलिए मैं ज़्यादातर ये यूज़ करता हूँ मेरे हिसाब से ये सही लगता है तो पता नहीं बहुत जन करता है कि मतलब फुल टैंक करके रख देता है अगर आप फुल टैंक कर रहे हो रेगुलर निकालते हो तो सही है अगर रेगुलर नहीं निकालते हो ना तो मेरे हिसाब से फुल टैंक रखना नहीं चाहिए तुम्हें उठते पर भी लूंगी पड़े आस्ते आराम से पाटा तुले बस बाबू हाँ पाटा एक तुले बस भाई एकदम ठीक है चलो भाई हाँ चलो टाटा टाटा चलो टाटा ओके चलो भाई तो काफ़ी बच्चे भाई लोग मिल गया था मिलता है जब भी बहुत जगह पे बहुत सारा बहुत अच्छा लगता है तो ऐसे ही पिक्चर लेने का मन था तो मैंने सोचा क्यों नहीं ले लीजिए जल्दी से आज मैं क्या सोच रहा हूँ ना अपना ये पाक्सर का ब्रिज ले कर ना वो माँ फ्लाईओवर नहीं पकड़ूँगा क्योंकि उधर से एक फ्रेम चाहिए मेरे को जो कि मैंने देखा था वो अपना
क्या बोलाता है वो जो मैकलारन का लॉन्च जो था ना वो ITC में जब गया था तो नीचे से गया था ना तो एक फ्रेम देखा था। अरे वो फ्रेम में मेरे को एक पिक्चर चाहिए और वो पिक्चर जाएगा इंस्टाग्राम में, तो आप लोग ज़रूर से फॉलो करना गाइस इंस्टाग्राम पे अली मोटर ब्लॉग्स नाम से ही है। आई होप आप लोग उधर का कंटेंट भी अच्छा लगेगा, रेगुलर रील्स पोस्ट सब कुछ आता है। तो नीचे से चलते हैं देखते हैं कैसे क्या सिचुएशन होगा नीचे का। तो इधर से जाते हैं हम लोग, ये देख सकते हो ये सॉल्ट लेक रूबी चला जाता है ये साइड से एंड ये नीचे चला जाता है पार्क सर्कस। आप इधर से गोड़िया वगैरह जा सकते हो, नीचे से तोपसिया घूम के भी जा सकते हो, तो जो भी हो। ओहो ये सब चक्कर के लिए ना ब्रिज से जाना सही है। यही जगह में मेरे को पिक्चर लेना है, सामने थोड़ा सा लाइट से लेफ्ट साइड में शायद वो भाग जाएगा मेरे को जितना लग रहा है। ओह माय गॉड क्या रिएक्शन दिया यार ये वो लड़की ने, आई लव कोलकाता। ओ मेरी जान, तो इधर ही मेरे को पिक्चर लेना है। आई होप कि आप लोग समझ गए। फ्रेमिंग बहुत सही है ये, यस। और थोड़ा सा आगे ये जगह पे लगाते हैं ना तो परफेक्ट आ जाएगा। तो मैंने फालतू का उन लोग पिक्चर ले रहे थे उन लोगों को हटा दिया। तो ये रहा फ्रेम, क्या फ्रेम लग रहा है सीरियसली गाइस, आई एम लविंग इट। मैंने कम से कम रोजा के टाइम में जब आया था ये ITC के पीछे तब आया था, तब मैंने ये जगह देखा था, मतलब ये जगह जाते हुए तो निकल गया था। तो उस टाइम मेरे को नहीं मिला था चांस, लेकिन मैंने आज सोच लिया था कि लेना है सीरियसली। सब गाइस आओ यार इधर पिक्चर लो और पोस्ट करो। आई लव कोलकाता, यस माय कोलकाता सिटी ऑफ जॉय। Everything at stake. I thought I would take it all back. I just wanna make this thing last. But we're running out of time. Oh, oh, oh. ये बस के पीछे आदमी के पीछे, कभी आदमी अपने आप सामने कभी मैं आदमी के सामने, ऐसे होता रहता है नीचे से। और ये ग्लव रत्नोदी भाई के पास, तो ऐसे ही ग्लव्स एक मैं लेना चाहता हूँ। इसका एक ब्लू वाइट एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन में आता है, वो मेरे को चाहिए था तो मैंने बता दिया उनको। एंड सिटी में सिटी राइड के लिए हल्का सा ग्लव्स मेरे को बहुत दिन से चाहिए था, तो ये ग्लव्स उसके पास था तो मैंने उसको बोला था, उसका मतलब शॉप है इसका रत्नोदीप का, तो मैंने बोला चलो सही है भाई एक मेरे को भी मंगवा दो, थोड़ा सही है। तो ट्रायल ले रहा हूँ, ट्रायल पास हो चुका है, मज़ा आ रहा है ये पेंट के, मतलब एकदम लाइट सा पता ही नहीं चल रहा है। चलते अपना आईफेल टावर के पास, थोड़ा पेरिस से घूम के आते अपना कोलकाता वाला पेरिस से पेरिस आ गया आप लोगों को लेके आगे कौन सा इट है अबे आबार कोता बोल बे की दरकार भाई, ऐसा काम नहीं करने का कोई आपको बोल सके कुछ। तो ये पीछे भी आईफेल टावर देख सकते हो, साउंड कैसे आएगा नहीं पता, लो लाइट कैसे परफॉर्म करेगा ये देखने के लिए मैंने इधर व्लॉग किया। और इधर पानी है ना, तो मेरा रिकॉर्ड है कि मेरा कुछ गैजेट जैसे कि कैमरा GoPro मेरे पास रहता नहीं, कुछ जाता है ना उसके बाद ही मैं अपडेट कर पाता। तो ये अगर जाएगा तो भी 10 आएगा, तो मेरे पास 7 था, 7 भी चला गया, 8 था, 8 भी चला गया, वो भी नहीं मिला एंड 9 है। आई होप ये सही से रह जाए एंड माहौल आप लोगों को दिखाते हैं इस तरीके का आया चुका है अपना ZX10R एंड अपना बूसा येरा ट्रिपल और कोसी कार एंड कुछ इस तरीके। ये जो मतलब दूर का व्यू है ना ये GoPro में इतना खास आता नहीं है, ये अपना व्लॉगिंग कैमरा जो है ना उसमें बहुत मस्त आता है, लेकिन GoPro का मतलब 9 का जो क्वालिटी है ना भाई बहुत मज़ेदार है, आप वो देख सकते हो। हेलो यस सो ऐसे ही कुछ है। इधर से निकलेंगे अभी, एक भाई सुबह आने वाला है, सुबह आएगा उसके बाद कम से कम 10 मिनट लग जाएगा, कम से कम 15-20 मिनट से वेट कर रहे हैं उसके लिए,
उसको आने देते हैं, उसके बाद निकलेंगे इधर से, निकल के जाएंगे अपना थॉट सॉर्ट जाके आप लोगों के पास। ओके चलो आई भाग इधर से। भाई सामने वाला बंदा भाग रहा है, मतलब उसके पीछे पुलिस लगा हुआ है, ऐसे टाइप का भाग रहा है वो। बड़ी दिक्कत की बात है ना, ये म्यूजिक बहुत ज़्यादा चलता है तो इसीलिए अंदर ब्लॉग नहीं कर पाते। अभी थोड़ा सा बंद हुआ है म्यूजिक, इसीलिए सबसे ब्लॉग कर लेते हैं। बहुत ही टाइम स्पेंड किया अपना भाइयों के साथ, अभी निकलने वाले हैं। अभी है Z900 है, सॉरी 800 अपना भूसा, एंड उधर एक 2021 भूसा है, एंड बाहर टेनार है। तो सब मिला के थोड़ा बहुत ऐसे है, लाइटिंग इधर बहुत कम है, थोड़ा धीमा धीमा सा इधर नहीं तो लाइट आ रहा है अभी। चलो ओह माय गॉड, चलो फोड़ो सब। हाँ तो भालो साउंड थकते क्या ना सुनते हैं भाई टाइम। चलो चलो ओके ओके और मत करो ओके चलो भाई। Z800 भूसा एंड RC, तो हम लोग जाएंगे एक्सप्रेस वे होके, एंड कुछ भाई जाएगा वो साइड से अपना शॉर्ट लेक होके। तो कमेंट कर सकते हो Gen 2 Gen 3, सो लेट्स सी, देखते हैं किसका कौन सा पसंद है। ओ भाई साहब, चलो ये टनल मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट किसी अच्छे से वीडियो में। सो टेक केयर गाइस, बाय बाय। अभी तक बंगाली चैनल अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब किया करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और चैनल का नाम अभी है बॉन्ग ब्लॉगर अली, लेकिन इसको मैं बहुत जल्दी चेंज करने वाला हूँ, एक अच्छे नाम के तलाश में हूँ। तो आप लोग अगर हेल्प कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। सो लेट्स सी, टेक केयर गाइस, बाय बाय।